नमस्कार, मैं राजकिशोर बिष्ट। फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी की लेक्चर सीरीज में आज हम ट्यूरिंग मशीन के विभिन्न प्रकार के बारे में सीखेंगे। सर्वप्रथम इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ट्यूरिंग मशीन के विभिन्न प्रकार के बारे में आप सीखेंगे। ट्यूरिंग मशीन द्वारा फंक्शंस को कंप्यूट करना सीखेंगे। रिकर्सिवली इन्यूमरेबल तथा रिकर्सिव लैंग्वेजेस के बारे में सीखेंगे। डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स के बारे में सीखेंगे। ट्यूरिंग मशीन की हल्टिंग प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे और अंत में पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम ट्यूरिंग मशीन को दोहराएंगे। ट्यूरिंग मशीन को एक रीड राइट हेड से जुड़े हुए एक फाइनाइट कंट्रोल के रूप में देखा जा सकता है। इसमें एक टेप होता है जो कई सेल्स में विभाजित होता है। रीड राइट हेड एक सेल के सिंबल को पढ़ सकता है या फिर संशोधित कर सकता है। यह एक बार में बाएं या दाएं तरफ एक सेल में स्थानांतरित हो सकता है। औपचारिक रूप से ट्यूरिंग मशीन को हम सात एलिमेंट्स के सेट के रूप में m इक्वल टू क्यू सिग्मा गामा डेल्टा क्यू जीरो डेल्टा एफ के रूप में दिखाते हैं, जहाँ क्यू स्टेट्स के सेट को, सिग्मा इनपुट सिंबल्स को, गामा टेप सिंबल्स को। सिग्मा में ब्लैंक सिंबल इंक्लूड नहीं होगा तथा सिग्मा गामा का एक सबसेट होगा। डेल्टा क्यू क्रॉस गामा से क्यू क्रॉस गामा क्रॉस एल आर में ट्रांजिशन फंक्शन को, क्यू जीरो प्रारंभिक स्टेट को, डेल्टा ब्लैंक सिंबल को तथा एफ फाइनल स्टेट्स के सेट को दिखाता है। अब हम ट्यूरिंग मशीन के विभिन्न प्रकार देखेंगे। ट्यूरिंग मशीन विथ स्टेशनरी हेड। स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन में रीडिंग हेड एक इनपुट सिंबल को पढ़ने के बाद बाईं या दाईं ओर चलता है। यदि हम उस विकल्प को शामिल करना चाहते हैं जो हेड को इनपुट सिंबल के लिए एक ही सेल में स्थिर रख सकता हो, तो हम डायरेक्शन सेट एल आर में एक नया एलिमेंट एस, जो कि स्थिर के लिए प्रयोग किया गया हो, को जोड़ेंगे। अतः यहाँ पर डायरेक्शन का सेट एल कॉमा आर कॉमा एस होगा। यह ट्यूरिंग मशीन विद स्टेशनरी हेड कहलाता है। मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन में एक टेप के बजाय एक से अधिक टेप्स का प्रयोग करते हैं। माना कि इसमें के टेप्स हैं। प्रत्येक टेप सेल्स में बटा हुआ होता है। प्रथम टेप में स्ट्रिंग होती है तथा बाकी सभी टेप्स में प्रारंभ में ब्लैंक सिंबल होता है। शुरू में पहला टेप इनपुट टेप का हेड इनपुट स्ट्रिंग W के बाएं सिरे पर होता है। अन्य सभी हेड शुरू में किसी भी सेल में रखे जा सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा Q क्रॉस गामा रेज्ड पावर K से Q क्रॉस गामा रेज्ड पावर K क्रॉस एल आर एस रेज्ड पावर के तक का एक फंक्शन होगा। यहां पर आप मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन देख रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन। एक मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन वह ट्यूरिंग मशीन है जिसमें टेप एक से अधिक डायमेंशन में इनफाइनाइट रूप से विस्तारित होता है। टू डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन में ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा क्यू क्रॉस गामा से क्यू क्रॉस गामा गामा क्रॉस एल आर यू डी में डिफाइन किया जा सकता है, जहाँ एल आर यू डी क्रमशः बाएं दाएं ऊपर तथा नीचे को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आप टू डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन में एक एड्रेस स्कीम को देख रहे हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन जिसे हमने अब तक परिभाषित किया है को इस अर्थ में डिटर्मिनिस्टिक कहा जाता है कि ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा द्वारा प्रत्येक कॉन्फिगरेशन के लिए
अधिकतम एक मूव परिभाषित होती है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन ट्रांजिशन फंक्शन को छोड़कर स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन के समान ही है, जिसमें डेल्टा क्यू क्रॉस गामा से क्यू क्रॉस गामा क्रॉस एल आर के पावर सेट में डिफाइन होता है। अर्थात किसी एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक से अधिक मूव्स डिफाइन हो सकते हैं। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन ऐसी ट्यूरिंग मशीन जो एक सामान्य उद्देश्य डिजिटल कंप्यूटर के रूप में काम कर सकती हो को डिजाइन करने के लिए हमें कुछ मानक तरीके की आवश्यकता होती है, जो एक दी गई ट्यूरिंग मशीन का दी गई स्ट्रिंग पर कंप्यूटेशन सिमुलेट कर सके। ऐसी ट्यूरिंग मशीन को यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कहा जाता है। मानकीकरण के लिए हम स्टेट्स के सेट को Q इक्वल टू क्यू वन कॉमा क्यू टू कॉमा अप टू क्यू एम से तथा टेप अल्फाबेट को गामा इक्वल टू ए वन कॉमा ए टू अप टू ए एन से दिखा सकते हैं, जहां पर ब्लैंक सिंबल ए एन को प्रदर्शित करता है। अब हम एक एनकोडिंग लेते हैं जिसमें क्यू वन को वन से क्यू टू को वन वन से तथा क्यू एम को एम बार वन की सीक्वेंस से दिखाते हैं। इसी प्रकार ए वन को वन ए टू को वन वन से तथा ए एन को एन बार वन की सीक्वेंस से तथा एल को वन और आर को वन वन से दिखाते हैं। जीरो को हम एक वन की सीक्वेंस के सेपरेटर की तरह प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए डेल्टा Q2, A1 इक्वल टू Q3, A2, L को 1101011011011 से एनकोड किया जा सकता है। इस प्रकार से किसी भी ट्रांजिशन को एनकोड किया जा सकता है। यहाँ पर सीक्वेंस में प्रथम 11 Q2 को प्रदर्शित कर रहा है। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन है, जिसमें एक सिंगल टेप होता है जिसकी लंबाई इनफाइनाइट नहीं होती है, लेकिन इनपुट स्ट्रिंग की लंबाई के एक लीनियर फंक्शन द्वारा बाउंडेड होती है। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन को औपचारिक रूप से निम्न सेट द्वारा वर्णित किया जा सकता है। m इक्वल टू क्यू सिग्मा गामा डेल्टा क्यू जीरो डेल्टा लेफ्ट हैंड मार्कर राइट हैंड मार्कर कॉमा f। सभी सिंबल्स के अर्थ ट्यूरिंग मशीन के मूल मॉडल के समान ही हैं, केवल इनपुट अल्फाबेट में दो विशेष सिंबल्स के अतिरिक्त जो कि लेफ्ट हैंड तथा राइट हैंड मार्कर के लिए प्रयोग किए गए हैं। लेफ्ट हैंड मार्कर इनपुट टेप के सबसे बाईं सेल में दर्ज किया जाता है और रीड राइट हेड को टेप में बाईं तरफ जाने से रोकता है। अर्थात डेल्टा क्यू आई लेफ्ट हैंड मार्कर में केवल क्यू जे लेफ्ट हैंड मार्कर राइट प्रकार के एलिमेंट्स ही हो सकते हैं। राइट हैंड मार्कर इनपुट टेप के सबसे दाहिने सेल में दर्ज किया जाता है और रीड राइट हेड को टेप में दाईं तरफ जाने से रोकता है। अर्थात डेल्टा क्यू आई राइट हैंड मार्कर में केवल क्यू जे राइट हैंड मार्कर कॉमा एल प्रकार के एलिमेंट्स ही हो सकते हैं। कोई स्ट्रिंग डब्ल्यू लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन द्वारा एक्सेप्ट की जाती है यदि इनिशियल आई डी क्यू जीरो लेफ्ट हैंड मार्कर डब्ल्यू राइट हैंड मार्कर से आई डी लेफ्ट हैंड मार्कर एक्स वन क्यू एफ एक्स टू राइट हैंड मार्कर तक मूव्स संभव हों, जहां क्यू एफ एक फाइनल स्टेट हो तथा एक्स वन कॉमा एक्स टू गामा स्टार की कोई स्ट्रिंग्स हों। यदि एल एक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है तो एल लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। इसका कन्वर्स भी सत्य होता है।
कंप्यूटिंग फंक्शंस विद ट्यूरिंग मशीन, कोई फंक्शन एफ जिसका डोमेन डी हो ट्यूरिंग कंप्यूटेबल कहलाता है। यदि एक ट्यूरिंग मशीन एम हो जिसके लिए इनिशियल आईडी Q0W से आईडी QFFW तक मूव्स संभव हो, जहां QF एक फाइनल स्टेट है। उदाहरण के लिए, हमें एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन बनानी है जो कि दो इंटीजर्स x, y के लिए x प्लस y को कंप्यूट करती है। ट्यूरिंग मशीन की सहायता से इस फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीजर्स को 1 की सीक्वेंस, जिसमें इंटीजर्स 1 के बराबर हों, से दिखा सकते हैं। x के लिए इसे हम wx से लिख सकते हैं। हम यह मान लेते हैं कि प्रारंभ में टेप में wx तथा wy 1 की सीक्वेंस के रूप में 0 द्वारा अलग करके लिखे गए हैं। कंप्यूटेशन के बाद टेप में wx plus y लिखा होना चाहिए तथा अंत में 0 आना चाहिए। अतः हमें ऐसी ट्यूरिंग मशीन M बनानी है जो दिखाया गया कंप्यूटेशन कर सके। इन विचारों को अपने दिमाग में रखते हुए ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन करते हैं। और उदाहरण के लिए x इक्वल टू तथा y इक्वल टू 3, अर्थात wx इक्वल टू 11 तथा wy इक्वल टू 111 की प्रोसेसिंग भी देखते रहते हैं। यहां पर इनिशियल आईडी Q0110111 होगी। प्रारंभ में हमें wx के 1 की सीक्वेंस को रीड करते हुए जाना है जब तक 0 नहीं आ जाए। अतः ट्रांजिशन डेल्टा Q0,1 इक्वल टू Q0,1,R होगा तथा दिखाई गई मूव्स होंगी। क्योंकि 0 को बीच में से हटाना है, अतः 0 को 1 से रिप्लेस करते हुए दाईं तरफ जाएंगे। यह याद रखने के लिए हमें स्टेट बदलने की आवश्यकता है। अतः ट्रांजिशन डेल्टा Q0,0 इक्वल टू Q1,1,R होगा तथा दिखाई गई मूव्स होंगी। अब हमें WY के 1 की सीक्वेंस को रीड करते हुए जाना है जब तक ब्लैंक सिंबल नहीं आ जाए। अतः ट्रांजिशन डेल्टा Q1,1 इक्वल टू Q1,1,R होगा तथा दिखाई गई मूव्स होंगी। क्योंकि 0 को 1 से रिप्लेस करने के कारण एक 1 एक्स्ट्रा लिखा जा चुका है, अतः ब्लैंक सिंबल आने पर वापस बाईं तरफ अंतिम 1 को 0 से रिप्लेस करने जाएंगे। यह याद रखने के लिए हमें स्टेट बदलने की आवश्यकता है। अतः ट्रांजिशन डेल्टा Q1 डेल्टा इक्वल टू Q2,delta,L होगा तथा दिखाई गई मूव्स होंगी। अब अंतिम 1 को 0 से रिप्लेस करेंगे तथा बाईं तरफ जाएंगे। यह याद रखने के लिए हमें स्टेट बदलने की आवश्यकता है। अतः ट्रांजिशन डेल्टा Q2,1 इक्वल टू Q3,0,L होगा तथा दिखाई गई मूव्स होंगी। क्योंकि x प्लस y की स्ट्रिंग टेप में बन गई है, अतः 1 को रीड करते हुए बाईं तरफ जाते रहेंगे जब तक कि ब्लैंक सिंबल नहीं आ जाए। अतः ट्रांजिशन डेल्टा Q3,1 इक्वल टू Q3,1,L होगा तथा दिखाई गई मूव्स होंगे। ब्लैंक सिंबल आने पर दाईं तरफ जाते हुए फाइनल स्टेट में प्रवेश करेंगे। अतः ट्रांजिशन डेल्टा Q3,delta इक्वल टू Q4,delta,R होगा तथा दिखाई गई मूव्स होंगी। यह कॉन्फ़िगरेशन x प्लस y को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमें चाहिए था। अतः अब हम ट्यूरिंग मशीन को व्यवस्थित रूप से दिखाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम फंक्शंस को ट्यूरिंग मशीन के द्वारा कंप्यूट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के लिए ट्यूरिंग मशीन्स को कंबाइन भी किया जा सकता है। चर्च ट्यूरिंग थीसिस।
1930 में अलोंजो चर्च ने एल्गोरिथम को परिभाषित करने के लिए लैम्डा कैलकुलस का उपयोग किया, जबकि एलन ट्यूरिंग ने एल्गोरिथम को परिभाषित करने के लिए ट्यूरिंग मशीन का उपयोग किया। दोनों ने अपने अपने काम इंडिपेंडेंट तरीके से किए। बाद में यह पता चला कि दोनों परिभाषाएं समान हैं। चर्च ट्यूरिंग थीसिस या ट्यूरिंग थीसिस एल्गोरिथम की अनौपचारिक अवधारणा और औपचारिक परिभाषाओं के बीच में एक संबंध है। चर्च ट्यूरिंग थीसिस कहती है कि कोई भी एल्गोरिथम जो किसी भी कंप्यूटिंग मशीन पर प्रदर्शित की जा सकती है, वह एक ट्यूरिंग मशीन पर भी प्रदर्शित की जा सकती है। अर्थात किसी भी यांत्रिक गणना को ट्यूरिंग मशीन द्वारा किया जा सकता है, या हर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के लिए एक ट्यूरिंग मशीन बनाई जा सकती है जिसके द्वारा उसे हल किया जा सकता है। हल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन निम्नलिखित दो तरीकों से हल्ट करती है। नंबर वन, जब ट्यूरिंग मशीन किसी स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद फाइनल स्टेट में पहुंचती है। सेकंड, जब ट्यूरिंग मशीन एम एक स्टेट क्यू और एक मौजूदा सिंबल ए तक स्कैन करने के लिए पहुंचती है, लेकिन डेल्टा क्यू कॉमा ए परिभाषित नहीं होता है, अर्थात ट्यूरिंग मशीन नॉन फाइनल स्टेट में हाल्ट करती है। कोई ट्यूरिंग मशीन कभी हाल्ट नहीं भी कर सकती है तथा इनफाइनाइट लूप में चलती भी रह सकती है। रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेज। कोई लैंग्वेज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल कहलाती है यदि उसके लिए एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करती हो जिसके लिए L इक्वल टू टी एम, अर्थात यदि W बिलोंग्स टू L हो तो M फाइनल स्टेट में हाल्ट करती है, तथा यदि W डज नॉट बिलोंग टू L हो तो M या तो नॉन फाइनल स्टेट में हाल्ट करती है या इनफाइनाइट लूप में घूमती रहती है। रिकर्सिव लैंग्वेज। कोई लैंग्वेज रिकर्सिव कहलाती है यदि उसके लिए एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करती हो जिसके लिए L इक्वल टू टी एम हो तथा वह सभी इनपुट W पर हॉल्ट करती हो, अर्थात यदि W बिलोंग्स टू L हो तो M फाइनल स्टेट में हॉल्ट करती है, तथा यदि W डज नॉट बिलोंग टू L हो तो M नॉन फाइनल स्टेट में हॉल्ट करती है। डिसाइडेबल प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम जिसका उत्तर हाँ या नहीं में हो डिसाइडेबल कहलाती है यदि उसके करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज रिकर्सिव हो। ट्यूरिंग मशीन की हाल्टिंग प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल है। द पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम PCP पहली बार 1946 में एमिल पोस्ट द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह किसी अल्फाबेट पर हाँ अथवा नहीं समस्याओं के एक वर्ग से संबंधित है। इसे हम इस तरह से वर्णित कर सकते हैं। माना कि हमारे पास अल्फाबेट सिग्मा पर आधारित स्ट्रिंग्स की दो सीक्वेंसेस U इक्वल टू U1 टू UN तथा V इक्वल टू V1 टू VN हैं। पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम यह निर्णय करना है कि क्या इंटीजर्स की कोई ऐसी सीक्वेंस I1 टू IM एग्जिस्ट करती है जिसके लिए UI1 टू UIM इक्वल टू VI1 टू VIM हो। उदाहरण के लिए यदि सिग्मा इक्वल टू 01 हो तथा U इक्वल टू 11,110,01 एवं V इक्वल टू 01,11,101 हो तो इसका एक PC सॉल्यूशन होगा, क्योंकि U2, U1, U3 इक्वल टू 110, 1101 इक्वल टू V2, V1, V3। यदि PCP में फर्स्ट सबस्ट्रिंग्स U1 तथा V1 हो तो यह मॉडिफाइड पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम कहलाती है। पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम भी अनडिसाइडेबल है। इस लेक्चर में आपने ट्यूरिंग मशीन के विभिन्न प्रकार देखे, ट्यूरिंग मशीन द्वारा फंक्शंस को कंप्यूट करना सीखा, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल तथा रिकर्सिव लैंग्वेज के बारे में जाना,
प्रॉब्लम्स की डिसाइडेबिलिटी के बारे में सीखा, ट्यूरिंग मशीन की हाल्टिंग प्रॉब्लम तथा पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम के बारे में सीखा। आशा है कि यह लेक्चर सीरीज आपके लिए उपयोगी होगी। अधिक जानकारी के लिए आप निम्नलिखित किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।